वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ज़बरदस्त सी हांडी की बेस ग्रेवी दिखाने के बाद आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि वेज हांडी कैसे बनाई जाए। हमारे चैनल पे हांडी की बेस ग्रेवी ऑलरेडी मौजूद है, आप चेक कर लीजिए उसे। तो देखते हैं हमें क्या चीज़ें लगेंगी। यहाँ पर है हांडी की बेस ग्रेवी 2 कप, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनी हुई है हांडी की बेस ग्रेवी भी। तो यहाँ पर है फ्रेश क्रीम 1/2 कप, आप ताज़ी मलाई को भी हल्का सा ग्राइंड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम गार्लिक बटर यूज़ कर रहे हैं 50 ग्राम, आप नॉर्मल सॉल्टेड बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉप किया हुआ हरा धनिया है 4 टेबल स्पून, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे वेजिटेबल्स में हमने यूज़ किया है कैरेट इस तरीके से स्ट्रिप्स में कटा हुआ, कॉलीफ्लावर के फ्लोरेट्स है कुछ, फ्रेंच बीन छोटे टुकड़ों में कटी हुई, शिमला मिर्च क्यूब्स में कटे हुए और छोटे आलू के पीसेस। तो ये सारी वेजिटेबल्स आप अपने अंदाजे से ले सकते हैं या कुल मिलाकर आप इसको 2 कप भी मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें लगेगी वेज हांडी बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं वेज हांडी कैसे बनाई जाए। तो यहाँ पे हम एक मिट्टी का पॉट इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे अर्दन पॉट या फिर मड पॉट भी कहा जाता है। इससे जो है हांडी का फ्लेवर बहुत बेहतरीन आएगा। इसमें हम डालेंगे बटर, गार्लिक बटर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्लेम को हम लो रखेंगे और इसके मेल्ट होने का इंतज़ार करेंगे, और जैसे ही मेल्ट हो जाएगी इसमें सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे हम। सारी वेजिटेबल्स को हमें मीडियम हाई फ्लेम पर भून लेना है 4 से 5 मिनटों के लिए इस तरीके से बटर में। 5 मिनटों में आप इसको बीच बीच में मिक्स करते रहेंगे। इस तरीके से भून लेने से वेजिटेबल्स को काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। तो 5 मिनट तक भूनने के बाद अब हम इसमें जो हांडी की रेडी बेस ग्रेवी थी 2 कप, जिसे हमने कहा था आपसे, डाल देंगे बेस ग्रेवी को। बेस ग्रेवी डालकर हम मीडियम हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनटों के लिए इस तरीके से ग्रेवी को वेजिटेबल्स के साथ भून लेंगे ताकि अच्छा एक मिक्स मिल जाए। देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। इसमें जाएगा अब नमक और तकरीबन 1 कप के करीब पानी डाल देंगे हम, ताकि जो है हमारी वेजिटेबल्स अच्छी तरीके से पक सके और मसाला भी हमारा जले ना। बॉईल आने देंगे हम, और जैसे ही वेजिटेबल्स को बॉईल आ जाएगा हम इसे कवर करके कुक करेंगे 10 मिनटों के लिए। ध्यान रहे कि आप इसको बीच बीच में चेक करते रहे, मिक्स करते रहे। लो फ्लेम पर हम इसे 10 मिनटों के लिए कुक करेंगे। तो मिलते हैं 10 मिनटों बाद। तो चलिए चेक कर लेते हैं 10 मिनटों बाद। देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से सारी वेजिटेबल्स पक चुकी है। हमने ऑलरेडी इसको अच्छी तरीके से स्टर फ्राई किया था। अब इसमें हमारी फाइनल इन्ग्रीडियंट क्रीम एंड हरा धनिया डाल देंगे हम। क्रीम डाल के सबसे पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। क्रीम अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो इसमें 2 टेबलस्पून हरा धनिया डालेंगे। थोड़ा सा हमने रिजर्व रखा है सर्विंग के लिए। तो क्रीम एंड हरा धनिया डालने के बाद हम इसको बस 2 से 3 मिनटों के लिए कुक करेंगे। काफ़ी अच्छी तरीके से ये पक रही है और इसको हम सर्व कर लेंगे फ्लेम ऑफ करके। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ही इजी एंड क्विक तरीके से हमारी वेज हांडी बनकर तैयार है। कोई ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं थी, कोई मसाले नहीं इस्तेमाल किए हमने, क्योंकि हमारी बेस ग्रेवी बनकर तैयार थी। तो यही फ़ायदा होता है प्रिपरेशन करके बेस ग्रेवी बना के रखने का। तो ज़बरदस्ती वेज हांडी देखिए बनकर तैयार है, अभी तक ये उबल रही है। यही फ़ायदा होता है मिट्टी के पॉट में बनाने का। चीज़ें बहुत ज़्यादा देर तक गर्म रहती है और इसका जो अपना फ्लेवर होता है वो भी बहुत बेहतरीन होता है। तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिए, ज़बरदस्त सी एंड क्विक सी रेसिपी है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्विक एंड ईजी डिलीशियस सी वेज हांडी पसंद आई होगी। आप इसको सर्व कीजिए नान या पराठे के साथ, और ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ ला सकें। थैंक यू।